नमस्कार दोस्तों। कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत सारे भारतवासियों को उनके परिवारजनों से अनफॉर्चुनेटली पिछो कराया। मैं सबसे पहले आज की वीडियो में सर ऐसे सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति जिनका अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से देहांत हुआ अपनी श्रद्धा अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आज के इस वीडियो के थ्रू आपके सामने कोरोना रिलेटेड रिलीफ अगर किसी व्यक्ति को मिली हो किसी वजह से कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान या किसी व्यक्ति के अनफॉर्चुनेट मृत्यु की परिस्थिति में उनके परिवारजनों को, इसी प्रकार से अगर कोरोना के संदर्भ में कोई मेडिकल एक्सपेंस किए गए हैं तो उनका डिडक्शन भी किस प्रकार से मिल सकता है, इन दोनों पहलुओं पर आयकर अधिनियम 1961 क्या व्यवस्था करता है या रिसेंटली भारत सरकार ने क्या रिलीफ की व्यवस्था करी है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने इस चार्ट के रूप में चार मुख्य बिंदु जो रिसेंटली 25 जून को भारत सरकार की ओर से आए एक छोटे से क्लेरिफिकेशन के वजह से आपके सामने है वो रखने की कोशिश करता हूं कि हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को कोरोना के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी और उस मेडिकल ट्रीटमेंट में उन्हें किसी प्रकार की सहायता राशि प्राप्त हुई या अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु की वजह से उनके परिवारजनों को कोई सहायता राशि मिली, तो उस राशि का टैक्सेशन कैसे होगा इस पर सरकार ने बात करी। तो अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय यानी किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से अगर कोविड के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिकली पैसा मिलता है तो भारत सरकार कह रही है कि सब ऐसी अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए हैज सफर्ड फ्रॉम कोविड और उनके कोविड के इलाज में उनके एम्प्लॉयर ने 7.5 लाख रुपए उनको दिए स्पेसिफिकली अपार्ट फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस विच ही इज कवर्ड, तो ये जो 7.5 लाख रुपए का पेमेंट उन्हें एम्प्लॉयर की ओर से सहायता राशि के रूप में आया सर, वो मिस्टर ए के हाथ में एग्जम्प्ट जाएगा। हालांकि इस विषय में डिटेल गाइडलाइंस अभी पेंडिंग है जो थोड़े समय में सीबीडीटी की ओर से जारी की जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति से, यानी मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एम्प्लॉय भी है लेकिन उसे किसी और पर्सन से सहायता राशि मिल रही है, तो ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड के संदर्भ में जो सहायता राशि मिली है वो राशि भारत सरकार कह रही है सर कि फुल्ली एग्जम्प्ट होगी। और एक बात ध्यान से सुनिएगा आप मेरी कि ये जो राशि का एग्जम्पशन है सर वो फाइनेंशियल ईयर 1920 एवं फाइनेंशियल ईयर 2021 दोनों के लिए किया जाना प्रस्तावित है। तीसरी बात दोस्तों आपके सामने रखता हूं, फैमिली मेंबर ऑफ असेसी हु लॉस्ट लाइफ ड्यू टू कोविड, अगर किसी व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई हो, वो व्यक्ति एम्प्लॉय हो और उनके एम्प्लॉयर से जो डिपेंडेंट्स है, बच्चे हैं या उनकी वाइफ हैं या और भी कोई सक्सेसर्स हैं, उन्हें किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस या एक्स ग्रेशिया के रूप में किसी भी नाम से जाने वो राशि मिलती है, तो बिना किसी लिमिट के पूर्ण राशि सर एग्जम्प्ट होगी यानी 1 रुपए भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसी का दूसरा रूप क्या है, अगर किसी फैमिली मेंबर को किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जिनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हुई हो उस परिस्थिति में किसी भी पर्सन से अगर कोई सहायता राशि फाइनेंशियल असिस्टेंस या एक्स ग्रेशिया मिलता है तो भारत सरकार कह रही है कि 10 लाख रुपए तक की वो राशि एग्जम्प्ट होगी। मैं पुनः कहना चाहूंगा सर कि इन चारों सरकमस्टांस में पहला दूसरा तीसरा और चौथा डिटेल गाइडलाइन सर अभी आना बाकी है लेकिन प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स की वजह से इस प्रकार की एग्जम्पशन की आवश्यकता थी जिसकी घोषणा भारत सरकार ने रिसेंटली की है। दोस्तों यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जम्पशन प्रपोज टू बी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू कोरोना ट्रीटमेंट और विद रेफरेंस टू डिपेंडेंट ऑफ दैट पर्सन और फैमिली मेंबर ऑफ दैट पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम कोरोना अनफॉर्चुनेटली डाइड, तो उनके रिलेटिव्स को जो या फैमिली मेंबर्स को जो पैसा आ रहा है एम्प्लॉयर से आ रहा है पूरी तरह से एग्जम्प्ट बोला गया है, और अगर नॉन एम्प्लॉयर से आ रहा है तो 10 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन की बात की गई है। लेकिन अगर मैं अपने आसपास देखूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे ट्रस्ट भी कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए सहायता राशि की किसी प्रकार से अगर घोषणा करते हैं और वो पैसा उन्हें मिलता है, तो यहां पर मैं सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का एक छोटी सी चर्चा आपके सामने रख रहा हूं
कि अगर आपको रिलेटिव से पैसा आ रहा है जो कि गिफ्ट है, वो पूर्णतः एग्जम्प्ट है। अगर किसी प्रकार से लोकल अथॉरिटी से पैसा आ रहा है, से नगर निगम, नगर पालिका से सहायता राशि के रूप में, वो भी एग्जम्प्ट है। फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन 1023C, वो भी पैसा दोस्तों एग्जम्प्ट होगा। और साथ ही अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो 12AA या 12AB ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है और वो कोरोना पीड़ित व्यक्ति को या कोरोना पीड़ित व्यक्ति जिनके अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई हो उनके परिवारजनों को कोई राशि देते हैं, तो ऐसी राशि भी दोस्तों मेरे हिसाब से एग्जम्प्ट मानी जाएगी। अब अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं, क्लेमिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कोरोना ट्रीटमेंट। क्योंकि पिछले साल कोरोना के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज भी आई, तो आपने मान लीजिए उसके संदर्भ में कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया, या हेल्थ चेकअप कोरोना के संदर्भ में जो टेस्ट हुआ उसके संदर्भ में आपने किसी प्रकार का हेल्थ चेकअप के एक्सपेंस किए, उनका डिडक्शन कैसे मिलेगा। तो मेरा मानना है दोस्तों, सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस प्रकार के खर्चों के डिडक्शन की ऑलरेडी पहले से व्यवस्था किए हुए था। मेडिकल इंश्योरेंस क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे? वन, मेडिकल इंश्योरेंस पेड टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ असेसी और हिज फैमिली। कि जनरली सर, अगर आपने स्वयं के और अपने परिवार के मेडिकल इंश्योरेंस पर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो 25,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको एक साल में मिलेगा, चाहे वित्त वर्ष 19-20 हो या 20-21। और जिस व्यक्ति के लिए किया अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए का डिडक्शन भी मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस पेड टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द पेरेंट्स और पेरेंट ऑफ द असेसी, देन इन दैट केस अगर पेरेंट की एज सीनियर सिटीजन एज यानी 60 ईयर नहीं है तो 25,000 रुपए तक का इंश्योरेंस प्रीमियम का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्टेबल है, और अगर उनकी एज सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्टेबल है। साथ ही दोस्तों, जैसा मैंने बोला, मेडिकल टेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा। एनी पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ द असेसी और इस फैमिली और द पेरेंट और पेरेंट्स ऑफ द असेसी, 5,000 रुपए का डिडक्शन सर ये मिलता है। लेकिन ये 5,000 का डिडक्शन इसी 25,000 या 50,000 की लिमिट जो आपके संदर्भ में रखे उसके अंतर्गत ही कवर्ड होता है। एक और बात दोस्तों जो ध्यान रखने वाली है वो क्या, कि यहाँ फैमिली मेंस क्या होगा, फैमिली में कौन कौन है। फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द असेसी। ये हुआ सर बात इंश्योरेंस प्रीमियम का। अब अगर मेडिकल एक्सपेंस किया तो उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा इनकम टैक्स की वर्तमान व्यवस्था में, वो भी आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए दोस्तों, अगर मेडिकल खर्चा किया तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? तो यहां पर जो सेक्शन 80D व्यवस्था करता है वो ये कहता है साहब, होल ऑफ द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ द असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली एज डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए तक का मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन दोस्तों मिलेगा। इसी प्रकार से होल ऑफ द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ एनी पेरेंट ऑफ द असेसी एज डज नॉट एक्सीड इन एग्रीगेट 50,000। यानी अगर इंश्योरेंस नहीं है तो 50,000 रुपए का सेल्फ और फैमिली का और 50,000 रुपए का सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा राइडर है सर यहाँ पे, सुनिएगा। अबाउट डिडक्शंस आर अलाउड only when they are paid in respect of a senior citizen and no amount has been paid to effect or keep in force an insurance on the health of such person। यानी अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, स्वयं उनकी स्पाउस भी, उन्होंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा और उन्होंने किसी प्रकार से कोरोना के ट्रीटमेंट पर या किसी और बीमारी के ट्रीटमेंट पर सर साल में 50,000 रुपए तक का मेडिकल एक्सपेंडिचर का भुगतान किया है तो उन्हें वो डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए एक कपल है जिनकी स्वयं की उम्र 35 साल है, उनकी पत्नी की उम्र 32 साल है, उन्होंने स्वयं के और अपनी वाइफ के मेडिकल एक्सपेंडिचर पर कोई खर्चा किया से 50,000 रुपए, क्या उन्हें डिडक्शन मिलेगा 80D में खर्चे के लिए? नहीं, उन्हें केवल प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा या हेल्थ चेकअप का मिलेगा। अब मान लीजिए उन्हीं कपल के जिनकी एज स्वयं 35 साल है, उनके पिताजी की उम्र मान लीजिए 60 ईयर्स है और उन्होंने उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा कर दिया से कोरोना काल में 35,000 रुपए, उनको डिडक्शन मिल जाएगा, एज्यूमिंग दैट कि उनके पेरेंट का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। अगर उनका भी मेडिकल इंश्योरेंस है तो फिर मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलेगा। तो ये एक डिडक्शन से रिलेटेड बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं, मेरा विश्वास है, या मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना की अब कोई और लहर आए ही नहीं, और अगर आए तो उसका प्रभाव लगभग नगण्य रहे
और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, और जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके प्रति अपनी संवेदना के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।